विश्व की कठिनतम यात्राओं में से एक श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आए 100 से अधिक साधुओं का दल हिमाचल के निरमंड नामक स्थान से रवाना हुआ। भगवान परशुराम की नगरी निरमंड की दशनामी जूना अखाड़े से अंबिका माता एवं दत्तौरे स्वामी की छड़ी को भी दल के साथ भेजा गया है। इस पवित्र 24वीं छड़ी यात्रा को आनी के विधायक किशोरी लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले जूना अखाड़ा के विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद इसे रवाना किया गया। विश्व की कठिनतम यात्राओं में से एक श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आए 100 से अधिक साधुओं का दल हिमाचल के निरमंड नामक स्थान से रवाना हुआ। भगवान परशुराम की नगरी निरमंड के दशनामी जूड़ा अखाड़े से अंबिका माता एवं दत्तरे स्वामी की छड़ी को भी दल के साथ भेजा गया है। इस पवित्र 24वीं छड़ी यात्रा को आनी के विधायक किशोरी लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले जूना अखाड़ा में विधिवत पूजा अर्चना की गई। उसके बाद छड़ी व साधुओं के दल को देव वाद्य यंत्रों की धुनों में बस अड्डे पहुंचाया गया। ये दल जाओ तक वाहन में सफर करने के बाद संकरी पखडंडियां होते हुए करीब 35 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करेगा। बर्फ में ढकी कांदराओं के बीच 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए ये दल 16 जुलाई को पहुंचेगा। उसके बाद 20 जुलाई को ये दल वापस निरमंड आएगा। माइनस के तापमान में श्रीखंड पहुंचना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में शारीरिक क्षमता वाले लोग ही भोले के दर्शन कर पाते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 130 किलोमीटर सफर तय कर रामपुर बुशहर पहुंचना होता है और उसके बाद कुल्लू जिला के निरमंड होते हुए बागीपुल जाओ तक वाहन मार्ग का सफर होता है। जाओ से पैदल सफर आरंभ होने के पश्चात पहला पड़ाव सिंगाड़ होता है। यहीं से शुरू होती है विकेट और परीक्षा लेने वाली यात्रा। हालांकि यात्रा आधिकारिक रूप से 15 जुलाई से आरंभ होगी और 25 जुलाई तक जारी रहेगी, लेकिन परंपराओं के अनुसार छड़ी को पूर्व की भांति निर्धारित तिथि पर रवाना किया गया। 11वीं बार श्रीखंड के लिए निकले बाबा ने बताया कि उन्होंने कई यात्राएं की हैं, लेकिन ये यात्रा सबसे अधिक कठिन है। इस यात्रा में अपने साथ सभी जरूरी सामान लेकर जाना होता है। हालांकि श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट और समिति की ओर से काफी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन फिर भी तैयारियां पूरी करनी होती हैं। जिस पर भोले की कृपा होती है वही यात्रा पूरी कर पाता है। श्रीखंड छड़ी यात्रा एवं ग्राम सुधार समिति निर्मंड के अध्यक्ष देवराज कश्यप ने बताया कि दशनामी जूड़ा अखाड़े से पूजा अर्चना के पश्चात इस पवित्र छड़ी को साधु महात्माओं की रहनुमाई में श्रीखंड के लिए रवाना किया गया। इस दल में देश के विभिन्न हिस्सों से आए 100 से अधिक साधु भाग ले रहे हैं, रवाना होते हैं। और इस यात्रा का जो है 16 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन जो है वहाँ श्रीखंड कैलाश पर्वत का जो है ऊपर वहाँ पर दर्शन होते हैं और उसके बाद ये वहाँ से वापस रवाना होती है। वहीं स्थानीय निवासी महिला ने बताया कि छड़ी यात्रा हर साल इसी दिन पारंपरिक तरीके से रवाना की जाती है। परशुराम और माँ अंबिका की छड़ी श्रीखंड के लिए जाती है। मेरी नाम भारद्वाज, परशुराम भगवान व अंबिका माता की पावन स्थली निर्मल से आज छड़ी यात्रा श्रीखंड की ओर रवाना हुई है। हमारी ये पारंपरिक एक रिवाज है, ये पूर्णिमा के दिन श्रीखंड के दर्शन करती है और उसके बाद वो निर्मल के लिए वापिस रवाना होती है। ये छड़ी साधु संत लोग हमारे गांव के, हमारे स्थानीय विधायक जी, तहसीलदार, प्रधान जी, सब कार्यकर्ता, हम लोग सब लोग इसमें हम सब लोगों ने भाग लिया है और बड़े भजन कीर्तन के साथ छड़ यात्रा को रवाना करते हैं। और जब छड़ यात्रा वापस आती है तो तब भी उनको लंगर भी, खाना भी खिलाया जाता है सब साधु संतों को भी। गाँव में हमारे माहौल बन जाता है गाँव में। आनी के विधायक किशोरी लाल ने बताया कि यात्रा को लेकर सरकारी स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान कानून व्यवस्था से लेकर सेवा व सहायता सबकी जवाबदेही तय की गई है। यात्रा की शुरुआत हुई है हमारे निर्मंड के दशनामी अखाड़े से। उस दृष्टि से ये जो है, यानी कि आज जिस ढंग से 24 वर्ष पहले इस श्रीखंड छड़ी यात्रा की शुरुआत हुई थी, इसमें
हमारे इस निर्मंड के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज भी विधि विधान द्वारा आज यहाँ से हम इस जल यात्रा का शुभारम्भ कर रहे हैं और यह जल यात्रा जो है 20 तारीख तक वापस लौटेगी और इस ढंग से धार्मिक भावना की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में हमारा बहुत ही प्रयास रहेगा कि जो श्रीखंड महादेव की यात्रा है उसको हम और अच्छे ढंग से मनाने का पूरा प्रयास करेंगे।